तालियों के साथ शुभारंभ होता है कार्यक्रम का माननीय सांसद महाराष्ट्र वाइल्ड लाइफ डॉल्फिन के बारे में धृतमान मुखर्जी इस वो बता रहे हैं डॉल्फिन के बारे में और उसको शूट कर रहे हैं शांतनुदा और धृतमान दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। एक साथ 100 डेज हिमालय कर चुके थे तो अभी दोनों में वही गंगा का बायोडायवर्सिटी के ऊपर बात चल रही है उसी के बारे में सर के साथ जैसे उस दिन बात हुई थी उस दिन तो सेटअप अंदर क्या है अंदर एक अंधार है ले सारे हैं जीवनदायिनी गंगा के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है लेकिन गंगा है तो हम हैं और गंगा है तो जीवन यापन का आधार भी है। गंगा के बारे में अगर अनंत यात्रा पे कुछ लोग निकले हैं तो गंगा को लेके जैव विविधता की बात करने वाले बहुत लोग भी भागलपुर आना शुरू कर दिए हैं और इसकी शुरुआत कभी अगर गरुड़ जैसे पक्षियों पंछियों से हो रहा है इलाके में गंगा में मचलने वाली डॉल्फिन को लेकर हो रहा है। अगर आप वहाँ आएंगे तो गंगा से डॉल्फिन निकलेगी और आपको नमस्कार करेगी। ये देखना है तो आपको भागलपुर आना पड़ेगा। जैसे कोई अराउंड 1500 से 1600 यूरो रह गए दुनिया में सबसे ज़्यादा तो आसाम में है और उसकी दुनिया में सेकंड पॉपुलेशन भागलपुर में है कि अराउंड 500 के करीब यहाँ अगर यहाँ है तो दुनिया की ग्लोबल पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर है। ये यहीं पे नहीं कि अपने देश की नहीं बल्कि समझिए पूरे दुनिया की। देखिए ये ग्रेटर एडजुटेंट इंडिया नेपाल बांग्लादेश म्यांमार और थाईलैंड वियतनाम में पाया जाता था अब सिर्फ हिंदुस्तान में रह गया है। थोड़ी सी पॉपुलेशन कभी कभी बर्ड्स मिलती हैं नेपाल में देखने को बांग्लादेश से ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया म्यांमार में बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है कम्बोडिया में है। तो वर्ल्ड की जो ऑलमोस्ट 85% पॉपुलेशन जो है वो हिंदुस्तान में पाई जाती है और उसका भी बहुत बड़ा संख्या जो है वो भागलपुर में मिलता है। तो दादा का कहना था इतना पुराना एक नदी जिसके नींव पे हमारा पूरा कल्चर सारे म्यूजिक वगैरह खड़ी हुई है तो वो इतना बुरा क्या हो सकता है कैसे हो सकता है। तो उनका ये जर्नी का मकसद था तलाशना कि गंगा के से जुड़े पॉजिटिव चीजें क्या है इस नदी का नदी में कि इतने तरह के म्यूजिक इतने तरह के बड़े बड़े म्यूजिशियन इसमें इसी के किनारे से निकले हैं। क्या है इसके किनारे में कि बीटल्स जैसे ग्रुप भी आए हैं देखने के लिए इस नदी को एक्शन बिल्डअप करें जो जिसको पता नहीं है इसके बारे में। तो हम यहाँ पे इसलिए आया कि उस बर्ड क्या कर रहा है क्या खा रहा है कैसे रह रहा है और स्पेशली यहाँ पे जो बर्ड का जो संरक्षण हो रहा है ना वो हो रहा है यहाँ का लोगों के कारण। बिल्कुल ग्रामीण जो लोग हैं वो उसको ठीक ठाक देखभाल कर रहा है इसलिए ये बर्ड जिंदा है और उसको फैसिलिटेट कर रहा है जैसे अपना शर्मा जी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये लोग इसको फैसिलिटेट कर रहा है पर मेन भूमिका ये गांव का जो लोग है जो उसके साथ डेली रहते हैं क्योंकि वो लोग पेन लेते हैं ना उसका काफ़ी खेती का प्रॉब्लम होता है कभी कभी वो कुछ भी डालते हैं ना तो जो सफरिंग है उसका है तो वो जो सालों से उसके साथ जिंदा रहे तो उसको
क्रेडिट तो उनके पास जाता ही है। इको फ्रेंडली हो गए सारे लोग। लोग इंडिया का एक खासियत है कि लोग वाइल्ड लाइफ के साथ रहना जानते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इसका उल्टा करते हैं। आप अगर पूरा देश में देखेंगे ना, कितना सारे एलिफेंट अटैक होता है, लेपर्ड अटैक, फिर भी लोग ऐसा नहीं है कि जाके इसको मार देते, उसके साथ रहते हैं। पर ये भी किया कि बाढ़ के बाद जाने के बाद जो उपजाऊ है मुझे फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। मतलब एक लेयर आ गया, एक ना लेयर आएगा बिल्कुल कमाल का जो सॉइल है, क्योंकि वो गंगोत्री से आ रहा है, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। मेरा अस्थमा, वो कह रहे कि मेरा जो हमेशा जिंदगी का अस्थमा था वो यहाँ पे काम करने के बाद गंगा किनारे जब काम करता हूँ मेरा अस्थमा उड़ गया है। ये दोनों छवि सत्य है। हम सिर्फ अगर एक ही छवि बताएंगे तो वो असत्य है, दोनों बताना ज़रूरी है। मेरा इस जर्नी का तात्पर्य यही था कि मैं दोनों पहलू बताऊं संगीत के जरिए। अनंत यात्रा में किस तरह की संगीत आप भागलपुर इलाके से लेके जा रहे हैं? भागलपुर इलाके से ये ले जा रहे हैं कि बेसिकली ये जो नदी देखी हमने आज, इस नदी बहुत शांत है। ये नदी एक और ये जो शाम का जो आकाश है ये बहुत खूबसूरत है। तो मुझे यहाँ पे एक जो ये गंगा का एक जो सरल शांत जो एक रूप है वो, उसका मैं एक कंपोजिशन करने वाला हूँ। क्योंकि मैं धुन देता हूँ, बेसिकली क्या करना है कि कहानियाँ लिखनी है, वातावरण देखना है, रंग छवि देखना है, और उसके बाद उनको अपने अंदर ढालना है ताकि जब निकलेगा वो धुन वो इसी कहानी से निकलेगा। वही चेष्टा है। थैंक यू। कुल मिला के एक फिल्म अगर बनी थी राम तेरी गंगा मैली, तो राम तेरी गंगा मैली में गंगा मैली नहीं थी बल्कि गंगा को मैली कहने का वो शायद विचार था, उसके किरदार थे, एक उदाहरण था। लेकिन अगर गंगा आज भी बह रही है, कल भी बहेगी, तो उसके साथ जीवन भी चलेगी, और हमको लगता है इसको लेके एक पॉजिटिव कंपनी की जरूरत है। सहारा समय के लिए भागलपुर से अनुज कुमार सिरलोचन।